तो स्टूडेंट्स, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्लास 11th में भी पढ़ना था, वहां पे भी रिलेशन फंक्शन में पढ़ना था, और यहाँ कंटिन्यूटी में क्वेश्चन नंबर 19 ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन से ही बनेगा। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का क्या कंसेप्ट है पहले उसको देख लेते हैं, तो फिर सवाल करेंगे 19 नंबर। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन नाम है महत्तम पूर्णांक फलन, बड़ा कोष में एक्स ऐसे इसको सूचित किया जाता है, ये हमेशा इंटीजर देता है। इंटीजर का मतलब पूर्णांक। लेस देन और इक्वल टू एक्स यानी पूर्णांक देता है जो या तो x से छोटा हो या x के बराबर हो। ठीक है, जैसे अगर हम 7 का ग्रेटेस्ट इंटीजर पूछें तो 7 खुद इंटीजर है, ये बाहर निकल जाएगा। 7.1 का ग्रेटेस्ट इंटीजर पूछें, ये इंटीजर में नहीं है, फ्रैक्शन में है, तो 7.1 से आगे 8 होगा इंटीजर और पीछे 7 होगा। इंटीजर किसको बोलते हैं, इसमें डेसिमल भाग नहीं है, तो आगे वाला नहीं लिखना है, छोटा हो चलेगा। 7.1 से छोटा कौन हो गया, 7 हो गया। 7.2 का ग्रेटेस्ट इंटीजर 7 हो गया। 2 का ग्रेटेस्ट इंटीजर 2, 2.1 का 2, ऐसे करके 2.9 तक का 2 ही होगा, 3 नहीं होगा, 3 करेंगे तो ज्यादा हो जाएगा, ज्यादा तो लिखना ही है, लिखना ही नहीं। इसमें हमेशा या तो इंटीजर में तो बाहर आ जाएगा, अगर फ्रैक्शन में है तो आगे वाला इंटीजर नहीं लिखना, पीछे वाला इंटीजर लिखना है। ठीक, अब आइए इस चीज को हम लोग प्रश्न निगेटिव में देखते हैं। -5.1 का इंटीजर संख्या रेखा बनाइए, -5.1 के इधर -4 होगा, इधर -6 होगा, तो आपको आगे वाला नहीं लिखना है, पीछे वाला इंटीजर लिखना है, -6 हो जाएगा। खुद केवल अगर -5 हो तो -5 ही रहेगा, समझ रहे। अगर कर दे -8.9 का ग्रेटेस्ट इंटीजर, तो आप -8.9 देखिए, इधर कौन इंटीजर होगा -7, इधर कौन होगा -9, आगे वाला आपको नहीं लिखना है, पीछे वाला लिखना है। तो यहाँ एक रिजल्ट आ गया कि किसी पूर्णांक से थोड़ा सा कम कर लें और ग्रेटेस्ट इंटीजर पूछें, थोड़ा सा कम करके, थोड़ा सा कम ऐसे लिख देते हैं, लिमिट h टेंड्स टू जीरो f a माइनस h, h एकदम जीरो के करीब का राशि, थोड़ा सा a में से थोड़ा सा घटा लेंगे या उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर पूछेंगे, a को कम हो जाएगा। और थोड़ा सा ज्यादा का पूछेंगे तो केवल ए हो जाएगा। ये दो को इंपॉर्टेंट बात है, थोड़ा सा कम का, 5 से थोड़ा सा कम, 4.9 का ग्रेटेस्ट इंटीजर, 4.9 का ग्रेटेस्ट इंटीजर छोड़ हो जाएगा, कम वाला लिखेंगे, ए को कम हो जाता है। अब थोड़ा सा ज्यादा के लिए यही रहेगा, ये दोनों फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, इसका यूज है क्वेश्चन नंबर 19 में बता दें। तो यहां पर इस फॉर्मूला को लिख ले लें, क्या फॉर्मूला सीखे, कोई पॉइंट अगर ए है इससे थोड़ा सा कम का ग्रेटेस्ट इंटीजर पूछे, ए हमारा अगर इंटीजर है, थोड़ा सा कम का ग्रेटेस्ट इंटीजर पूछे, ए माइनस एच का ग्रेटेस्ट इंटीजर पूछे, तो आगे वाला होगा नहीं, कौन होगा, पीछे वाला। अब थोड़ा सा ज्यादा का ग्रेटेस्ट इंटीजर पूछे,
इससे थोड़ा सा ज्यादा, तो इसके जस्ट पहले कौन इंटीजर है, ए है, ए हो जाएगा। ये दो फॉर्मूला है और इस पर है क्वेश्चन नंबर 19। ये क्वेश्चन को पढ़ा जाए, क्वेश्चन में है सो दैट द फंक्शन डिफाइंड बाई जी एक्स बराबर एक्स माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स इज डिसकंटिन्यूअस एट ऑल इंटीग्रल पॉइंट, सभी इंटीग्रल पॉइंट पर ये डिसकंटिन्यूअस होगा, ये हमको साबित करना है। क्या लिखेंगे, टेस्ट द कंटिन्यूटी एट एक्स बराबर ए, जहां पे ए हम इंटीजर ले लिए, ए पर हम चेक कर रहे हैं, फंक्शन का एक ही वैल्यू दिया है, लेकिन यहां ग्रेटेस्ट इंटीजर थोड़ा सा कम थोड़ा सा ज्यादा के लिए अलग अलग होता है, इसलिए लेफ्ट राइट एफएस इसको बनाएंगे। लिमिट एस टेंड्स टू जीरो एफ ए माइनस एच, ये पहले निकालिए, लिमिट एस टेंड्स टू जीरो हमारा एक्स है, एफ के जो आगे होता है एक्स होता है, यहाँ एफ में नहीं दिया है जी में दिया है, कोई बात नहीं इसको जी में लिख लेंगे। तो ए माइनस एच के लिए इसको लिखना है, जी का वैल्यू एक्स के लिए लिखा है, हमको जी का वैल्यू ए माइनस एच के लिए लिखना है, यहां भी ए माइनस एच, यहां भी ए माइनस एच, ए माइनस एच और ए माइनस एच। तो लिमिट एच टेंस टू जीरो ए माइनस एच, और ए माइनस एच का ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना होता है, ए माइनस वन होता है, तो हो गया लिमिट एच टेंस टू जीरो ए माइनस एच माइनस ए प्लस वन, एच का मान जीरो रख दीजिए, वन आ गया। क्या निकला, एलएचएल निकला, लेफ्ट हैंड लिमिट निकला, फिर राइट हैंड निकालिए, अगेन लिमिट एच टेंस टू जीरो जी ए प्लस एच ये निकालेंगे, लिमिट एच टेंस टू जीरो जी ए प्लस एच, जी का वैल्यू ए प्लस एच के लिए लिखना है, जहां जहां एक से वहां ए प्लस एच हो जाएगा, ए प्लस एच ए प्लस एच, ए प्लस एच माइनस ए प्लस एच का ग्रेटेस्ट इंटीजर, लिमिट एच टेंस टू जीरो ए प्लस एच, ए से थोड़ा सा ज्यादा का ग्रेटेस्ट इंटीजर ए ही होता है, इससे थोड़ा सा ज्यादा कर पूछेंगे जस्ट पीछे वाला इंटीजर होगा, ये हमारा इंटीजर हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, यहां बताइए ऐसे ये क्या हो जाएगा, कट जाएगा, इसका मान जीरो डालेंगे तो जीरो आ गया, और अगेन जी ए निकालेंगे, ए के लिए क्या हो जाएगा, ए डालेंगे तो ए ए हो जाएगा, ए माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर है जीरो आ गया, तीनों सेम है क्या, चूंकि लिमिट एच टेंस टू जीरो जी ए माइनस एच एच टेंस टू जीरो जी ए प्लस एच और जी ए सेम नहीं है, इसलिए जी एक्स जो होगा डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा एट एक्स बराबर ए, जहां पे ये हमारा इंटीजर है, यही प्रूफ करना था। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, पेजुआ क्वेश्चन है, इसको एक बार दोहराऊंगा, वीडियो को दोबारा तिबारा चलाकर देख लीजिएगा, समझ में आ जाएगा। थैंक यू।